ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि एक छोटा सा शपथ ग्रहण समारोह होता है उसमें कितने सारे अतिथि आते हैं पीछे खड़े होने के लिए। दुनिया का सबसे बड़ा शपथ ग्रहण समारोह हुआ, दुनिया का सबसे बड़ा राज्याभिषेक हुआ जब 14 साल बाद राम लौट कर आए। उन्हें राजा घोषित करना था, भरत व्यवस्था कर रहे थे। एक मुख्यमंत्री शपथ लेता है तो कितनी भीड़ आती है, देखा था आपने कर्नाटक में शपथ हुई थी कितने लोग पीछे खड़े थे, बहुत सारे आए थे, फ्यूज बल्बों की झालर पूरी एकदम पीछे। हाँ, हमारा वाला लट्टू भी था। तो इतने सारे लोग आते हैं, लेकिन राम का राज्याभिषेक हुआ। भरत ने पूछा कि भाई साहब किसको बुला लें, गेस्ट किसे बुला लें। मर्यादा पुरुषोत्तम ने कहा कि बेटा मैं तो जंगल में था तो मुझे पता नहीं कौन राजा हो गया कौन युवराज हो गया, तुम बुला लो किसी को भी। भरत ने कहा भैया किसी से तो मैत्री हुई होगी। बोले ये सुग्रीव अंगद हनुमान ये सब आए हैं साथ में, किसको बुला लूं। दोनों भाई सो गए। राम नींद में जाने वाले थे कि अचानक चौंक कर जगे। माँ सीता उठ गई कि क्या हुआ। बोले मुझसे बड़ा अपराध हो जाता, मुझे भरत के पास जाना है। नंदीग्राम गए, उसका दरवाजा खुलवाया और कहा भरत बड़ा अपराध हो जाता, एक दोस्त बना था उसका एक एहसान भी है, अकेला मेरा वही गेस्ट है और सिरी फोर्ट में जहां बाहर ध्वनियां नहीं जाती लेकिन अगर ध्वनि किसी रास्ते से जाती हो तो उस तट को पता चले, उस व्यक्ति को पता चले राम के राज्याभिषेक में राम की ओर से जो एकमात्र ऑफिशियल गेस्ट आया था वो व्यक्ति था जिसने उन्हें गंगा पार कराई थी, जिसे केवट के नाम से जानते हैं। इसे कहते हैं मैत्रियां निभाना। और राम कैसे खड़े हो गए उसके सामने, केवट के सामने, देने को कुछ था नहीं, जैसे माल्या के सामने PNB। तो राम पर कुछ देने को नहीं था, लेकिन ये महिलाएं बैठी हैं, भाभियां बैठी हैं, ये चेहरा पढ़ लेती हैं पति का। सीता भारतेश्वरी हैं, उन्होंने अपने पति का चेहरा पढ़ लिया और उन्होंने कैसा काम किया जो दुनिया की कोई स्त्री नहीं कर सकती, केवल भारत की महिला कर सकती है अगर पति संकट में हो। इस पर आप तालियां देना। जैसे उन्होंने अपने पति का म्लान मुख देखा, बाबा तुलसी लिखते हैं पिय ही हित सिय जानन हारी। अपने पति के हृदय का हित जानने वाली सीता ने क्या किया, मुदित मगन मणि मुंदरी उतारी, अपनी डायमंड रिंग निकाल के दे दी कि ये दे दो गंगा पार कराने के लिए। इसे कहते हैं त्याग। और वो केवट भी ऊंची रकम था, उत्तर प्रदेश का था वो, हम यूपी वाले तो ऊंची रकम होते ही हैं। तो उन्होंने कहा कि भाई ये रख ले, तो केवट बोला जी रहन दो हम तो स्टाफ के आदमी हैं। राम ने कहा तेरा हमारा क्या स्टाफ। बोले जाति अलग है, काम तो एक ही है, तुम भवसागर पार कराते हो मैं गंगा पार कराता हूँ, काम तो एक। वाल्मीकि लिखते हैं रामो द्विर्न भाषते, राम दो बात नहीं बोलता। राम ने कहा यार तेरा उधार रह जाएगा, चुकाऊंगा कैसे, जो बात कही उसमें पूरा सदन उछल जाएगा। केवट ने कहा उधार छोड़ूंगा नहीं, ले लूंगा। बोले कब लेगा। बोले आज गंगा पार कराने का मैं नहीं ले रहा, मर के मैं आऊं तो भवसागर पार कराने का तू मत लेना, इसमें क्या है, बराबर का मामला।